देखिए, डेफिनेटली मैं आज ईश्वर की दया से और जनता की मेहरबानी से आज एक ब्रांड बन गई हूँ। मेरा कोई सपोर्ट नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं। मुझे जिसने बनाया है, पूरी जनता ने बनाया है, और मैं उन्हें पूरा हक भी है कि मेरे बारे में बुरा भी बोल सकती हैं, मेरे बारे में अच्छा भी बोल सकती हैं। मैं उनको कभी इल्ज़ाम नहीं लगाती हूँ जनता को, लेकिन आज इतनी एक पोजीशन पे आने के बाद मेरे और मेरी मम्मी के कुछ नोक झोंक की वजह से या झगड़ों की वजह से किसी तीसरे ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। माय मम्मा, मुझे बहुत शौक हुआ कि मेरी मम्मी बिग बॉस हाउस में एंटर किया है। मुझे पता नहीं था, मैंने बहुत शौक हुआ है। लेकिन एक बात से मैं बहुत खुश भी हूँ कि आज मेरी मम्मा बिग बॉस हाउस में गई हैं, तो उसे मेरी वैल्यू पता चल जाएगी कि मेरी बेटी ने कितनी मेहनत करके रियलिटी शोज कर करके पैसे अर्न किए हैं। वो कैसे पैसे कमा के घर पे लाती थी। मेरी मम्मा को पता चल जाएगा कि बिग बॉस हाउस में एक दिन एक साल के बराबर होता है, 24 घंटे गुजरते नहीं है। जब तक हम इंतजार करते हैं, बिग बॉस की आवाज़ आती है तो उनके रहमो करम पे पलते हैं, जब तक वो टास्क नहीं देते, वरना तो इंसान अंदर बोर हो जाता है। ना बिग बॉस आपको सोने देता है, ना रोने देता है, ना कुछ करने देता है, आपको मेंटली टॉर्चर करता है बिग बॉस। नहीं, मुझे कुछ हर्ट नहीं हुआ जब मेरी मम्मी मैंने रोते हुए देखा, बिकॉज मैंने मम्मी को बचपन से रोते हुए देख रही हूँ। तो मुझे फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे मैंने मैंने बहुत बार मम्मी को रोते हुए हमेशा देखा है, एंड शी ऑलवेज क्राई। छोटी सी छोटी बात में शी ऑलवेज क्राई। बट मुझे उस वो जो रोना मुझे इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि मैंने गुजारा है, मुझे तकलीफ मैंने गुजारी है। क्योंकि आप इतनी जल्दी, कोई भी जनता इतनी जल्दी जज ना करे रोने पे। आप मेरा भी दुख सुने, आप मुझे भी देखें जल्दी, इतनी जल्दी किसी को जज ना किया जाए। कौन सी बेटी ये चाहेगी कि उसकी माँ उसके लिए रोए? कौन सी बेटी हिंदुस्तान की ये चाहेगी कि जब दिवाली हो तो उसकी माँ या उसके भाई बहन उसके साथ दिवाली ना मनाए, या पटाखे ना छोड़े, या मिठाइयाँ ना खाए? कौन सी बेटी ये चाहेगी कि वो अकेली, हर त्यौहार हो रहा है तो वो अकेली है, और हर फेस्टिवल में वो अकेली अपने माँ बाप को मिस कर रही है? कौन सी बेटी अकेली रहना चाहती है? ऐसी क्या बात हुई होगी जिंदगी में, या ऐसी क्या मजबूरी आई होगी तो एक बेटी को अपनी फैमिली से अलग होना पड़ा होगा। तो मैं जनता से ये कहना चाहती हूँ, इतनी जल्दी कोई जजमेंट ना ले मेरे बारे में, क्योंकि मैंने बहुत दुखों में मैंने दुखों का पहाड़ गुजारा है। मैंने अपनी मम्मी के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, उनके बच्चों के लिए, भाभी के लिए बलिदान दिए हैं, बलिदान के ऊपर बलिदान दिए हैं। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तब मैं अलग हुई हूँ, और आज मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे जीने दे दिया जाए। मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी रो रही है क्योंकि मैं एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हूँ, आप समझते हैं। तो कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी उससे अलग हो, इसीलिए अभिषेक को भी मुझसे अलग किया गया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझसे अलग की गई ताकि मैं किसी के साथ ना जुड़ूं, सिर्फ मेरी माँ से जुड़ के रहूं। प्लीज़ मेरे लिए कोई जजमेंट ना लें। और मैं एक सताई हुई एक लड़की हूँ, दुनिया की सताई हुई लड़की हूँ। मेरे फैशन पे ना जाए, मेरे बोल्डनेस पे ना जाए, मेरे दिल को देखे कि मैं कितनी परेशान हूँ। हाँ, मैं मेरी माँ के लिए बहुत दुखी हूँ कि वो बिग बॉस हाउस में गई है। वो कैसे सरवाइव करेगी? मेरी माँ को इतनी बीमारियाँ हैं, लाइक डायबिटीज है, लाइक लो बीपी हो जाता है, और सर की बीमारी, हेडेक हो जाता है। मेरी मम्मी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, खुद इंजेक्शन लेती है एवरीडे घर पे, और मम्मी को जब तक दोपहर को 2 घंटे सोए नहीं, शी कांट बी फ्रेश। एंड मुझे बहुत डर लग रहा है कि मम्मी कुछ बिग बॉस में ऐसी बातें ना बोल दे मेरे खिलाफ जो जो मुझे बर्दाश्त ना हो, जो कि मैं बेगुनाह हूँ। मेरी मम्मी ऐसी कोई बातें ना बोल दे, क्योंकि बिग बॉस का रूल ऐसा है कि हर किसी की कमर तोड़ देता है, इंसान को टॉर्चर करता है दिमाग की तरह से, क्योंकि वो इंसान के पास कुछ काम करने के लिए नहीं होता, तो फतूल बातें सोचती हैं और सोचता है इंसान, और न चाहते भी कुछ ना कुछ बकने लगता है, कुछ ना कुछ बोलने लगता है, इमोशनल हो जाता है, रोता है, अपने अंदर की बातें, जो अंदर का इंसान है वो बोलने लगता है, अंदर जो भी इंसान है वो बोलने लगता है। मैं जीसस की बेटी हूँ, कोई मेरे साथ सर पे ना हो कोई बात नहीं, बट जीसस मेरे साथ है, मैं उनकी बेटी हूँ,
और मैंने अगर पाप भी किया है तो मेरे मैंने ईश्वर से माफ़ी मांग ली है, आज मैं पापी नहीं हूँ और मैं एक सच्ची बेटी हूँ और सच्ची राह पे चल रही हूँ और एक अच्छी बेटी हूँ और एक अच्छी माँ भी बनी हूँ पति पत्नी और वो मैं। और मैं जीसस, मैं अपनी माँ के लिए भी प्रे करना चाहती हूँ कि जीसस जो है मेरी माँ को बहुत शक्ति दे और उन्हें बहुत स्ट्रेंथ दे और उनकी सारी बीमारियों को दूर करे जीसस, और अंदर जो भी कंटेस्टेंट है वो मेरी माँ की रिस्पेक्ट करे। मेरी माँ को अंग्रेजी नहीं आती है, वो सीधे साधारण आम इंसान है, लेकिन मेरी माँ ने हिम्मत जुटा की भी बिग बॉस हाउस में गई है, और वो तो भगवान ही जाने कि वो मुझसे बदला लेने के लिए गई है या पैसे कमाने के लिए गई है या क्यों गई है, जिस भी हिसाब से गई है आई प्राउड ऑफ माई मॉम। एंड मुझे लगता है कि जितने भी मंत्री है उन मंत्रियों को पकड़ के, स्पेशली जो एक का नाम नहीं लेना चाहूंगी वरना मुझे भी माफी मांगने जाना पड़ेगा, मैं तो किसी से माफी नहीं मांगती, तो उनका उनको स्पेशली पकड़ पकड़ के सारी मंत्रियों को बिग बॉस के हाउस में डाल दो, आई एम टेलिंग यू देश सुधर जाएगा, देश जो है हमारा सुधर जाएगा।